हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आज की कहानी सुनने के लिए बहुत उमंग में होंगे। तो चलो मेरे संग आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है एकता में बल है। एक बार की बात है, एक शिकारी ने कबूतरों को फंसाने के लिए चावल बिखेर दिए और थोड़ी दूर पर छिपकर बैठ गया। कुछ देर के बाद कबूतरों का एक दल अपने राजा के साथ उड़ता हुआ आकाश में जा रहा था। कबूतरों ने जैसे ही धरती पर चावल देखे तो उनके मुंह में पानी भर आया। आहा, चावल! आज तो मजा आ जाएगा, खूब पेट पर खाने को मिलेगा। ये कहते हुए सब कबूतर चावल खाने के लिए तैयार हो गए। अरे अरे, तुम क्यों उतर रहे हो? कबूतरों के राजा ने अपने साथियों को नीचे की ओर जाते देखकर कहा, महाराज, खाने के लिए यहाँ ढेर सारा चावल बिखरा पड़ा है। ओह, अब मैं समझा कि तुम इन बिखरे हुए चावलों को देखकर ही नीचे आ रहे हो। हाँ महाराज, देखो कितने स्वादिष्ट चावल हैं। आहा, आज तो मजा आ जाएगा। सारे कबूतर खुश हो रहे थे। आज उनके सामने चावल ही चावल बिखरे पड़े थे। कबूतरों का मन इन चावलों को देखकर ललचा रहा था, लेकिन कबूतरों के राजा ने अपने साथियों को नीचे उतरने से रोका। वो बोला, ठहरो। सब कबूतर आश्चर्य से राजा की ओर देखने लगे और बोले, क्यों? तुम लोग लालच में अंधे हो रहे हो। लोभ प्राणी का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम लोग जिन चावलों को देखकर खुश हो रहे हो, उन्हें किसी ने हमें फंसाने के लिए बिखेरा है। सारे कबूतर सोच में पड़ गए, मगर फिर भी उन्होंने उन चावलों की ओर जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि भूख के मारे उनका बुरा हाल हो रहा था। कबूतरों का राजा समझ गया कि ये सब कबूतर लोभ में अंधे हो गए हैं। वह जान गया कि उसके साथी अज्ञान और लालच के कारण विद्रोह पर उतर आए हैं। ऐसे लोगों को समझाना बुझाना बेकार है। सब कबूतर उन चावलों पर टूट पड़े और जाल में फंस गए। अब तो सब कबूतर एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे। अरे, हम सबको तेरे बहकावे के कारण ही मौत के मुंह में जाना पड़ रहा है। हमारे राजा ने हमें सही कहा था कि लालच मत करो, मगर तुमने ही कहा था ना कि डरना तो कायरों का काम है। एक दूसरे पर दोष लगाने से लाभ नहीं होगा। अब तो धैर्य और साहस से ये सोचो कि मौत के मुंह में से कैसे निकलोगे। एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हम सब एक होकर मुसीबत का सामना करें। एकता में शक्ति है। चलो बंधुओं, सब मिलकर जोर लगाओ। जो होगा देखा जाएगा। यदि मरना ही है तो क्यों ना एक साथ मरे। सारे कबूतर पूरे जोर के साथ जाल समेत उड़ गए। दूर बैठे शिकारी ने जब अपने शिकार और जाल दोनों को उड़ते हुए देखा तो उसका दिल डूबने लगा। वह भी तेजी से पीछे पीछे दौड़ने लगा। उसे ये आशा थी कि जब सब कबूतर थक जाएंगे तो अपने आप ही धरती पर गिर जाएंगे। बस वह उसी समय उन्हें पकड़ लेगा। उस शिकारी को ये नहीं पता था कि कबूतरों के पीछे पीछे वो कहाँ तक भागेगा, कहाँ पक्षियों की उड़ान और कहाँ उसे धरती पर दौड़ना था। थोड़ी दूर तक तो वह दौड़ता रहा, फिर बेचारा थक हार कर एक जगह बैठकर अपने भाग्य पर आंसू बहाने लगा। ऊपर उड़ रहे कबूतरों ने देखा कि बहेलिया थक कर बैठ गया है और उनका राजा भी पीछे पीछे आ रहा है। तब उनका साहस दो गुना हो गया। तुम सब लोग जंगल में यहीं पर उतर जाओ, यहाँ मेरा मित्र चूहा रहता है,
वह इस जाल को काट देगा। इस तरह तुम सब आजाद हो जाओगे, कबूतरों के राजा ने सबसे कहा। अपने राजा की बात सुनकर सब कबूतर जाल समेत नीचे उतर आए। कबूतरों के राजा का मित्र चूहा अपने बिल में बैठा आराम कर रहा था। जैसे ही उसने जमीन पर कुछ गिरने की आवाज सुनी तो वह डरकर सावधान हो गया। उसने समझा कोई शत्रु उसके बिल के बाहर उतरा है। इस बीच कबूतरों के राजा ने उसे आवाज दी, मित्र डरो मत, मैं तुम्हारा पुराना मित्र कबूतरों का राजा हूँ। मुझे इस समय तुम्हारी सहायता की जरूरत है। चूहों के राजा ने अपने मित्र की आवाज पहचान ली। वह बड़े उत्साह से झटपट अपने बिल से बाहर निकला और मित्र से मिला। चूहे ने कबूतरों को जाल में फंसे देखा तो वह समझ गया कि वे सब अपनी किसी गलती के शिकार हो गए थे। कहो मित्र कैसे हो, चूहे ने कबूतरों के राजा से पूछा। फिर कबूतरों का राजा बोला, मैं तो ठीक हूँ, किंतु मेरे साथी? मैं समझ गया हूँ मित्र, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम लोग ऐसी भूल कर ही बैठते हैं। भूख प्राणी को अंधा कर देती है। मैं तो तुम्हारी और इन लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ कि ये लोग जाल को उड़ाकर मेरे पास ले आए। हाँ मित्र, यदि हम बुद्धि और साहस से काम ना लेते तो हम सब कब के मर गए होते। मित्र दुख के समय मित्र ही काम आता है। चूहे ने अपने साथियों को आवाज दी और सब चूहे एक के बाद एक करके बाहर निकले और उस जाल को काटने लगे। थोड़ी ही देर में सारे कबूतर उस जाल से बाहर निकल आए। सब ने चूहों को धन्यवाद दिया और अपने राजा के साथ आसमान में फिर से उड़ गए। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के समय धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है और हम सब एक होकर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीरवार को। तब तक के लिए बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।